65वीं फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और इसी घोषणा के दौरान दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी को फिल्म मॉम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। जी हां, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कमेटी के चेयरमैन और जाने माने फिल्मकार शेखर कपूर ने ऐलान कर दिया है 65वें फिल्म पुरस्कारों की लिस्ट का। बेस्ट हिंदी फिल्म की घोषणा करते हुए शेखर कपूर ने जहां पर राजकुमार राव की फिल्म न्यूटन को पुरस्कार दिया, वहीं पर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी को। बताते चले, दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी का इसी साल निधन हो गया था। श्रीदेवी को उनकी 300वीं फिल्म मॉम के लिए पुरस्कार दिया गया है। वहीं पर इसी फिल्म के यानी कि मॉम के बैकग्राउंड म्यूजिक को बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया है। जी, आपको बताते चले कि कुछ टाइम पहले ही श्रीदेवी का दुबई में निधन हो गया था। उसके 3 दिन के बाद उनके पार्थिव शरीर को मुंबई लाया गया था, जहां पर श्रीदेवी के चाहने वालों का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। वहीं पर पूरा बॉलीवुड जगत अभी तक इस दुख से उभर नहीं पाया है कि वेटरन एक्ट्रेस श्रीदेवी हमारे बीच नहीं रही। पर अब जब श्रीदेवी को यह अवार्ड मिला है तो एक अलग ही खुशी की लहर है। जी हाँ, उन्हें अवार्ड मॉम फिल्म के लिए मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, जो कि काफी खुश करने वाली खबर है लंबे टाइम के बाद, जो श्रीदेवी के जाने के बाद आई है। सैकड़ों फिल्मों में काम कर चुकी श्रीदेवी ने 2012 में फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से बॉलीवुड में फिर से कमबैक किया था, जिसके 5 साल के बाद उन्होंने 2017 में अपनी फिल्म मॉम से बॉलीवुड में एक बार फिर अपनी शानदार एंट्री की। फिल्म मॉम में लीड रोल में नजर आई श्रीदेवी के किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया था, साथ ही उनके काम की खूब सराहना हुई। इस फिल्म में वो एक ऐसी माँ की भूमिका निभाती नजर आई थी जो अपनी बेटी के साथ हुए अत्याचार का बदला लेने उठ खड़ी होती हैं और उनके इंसाफ के लिए निडर होकर लड़ती हैं। इस फिल्म का निर्देशन रवि उद्धावर ने किया था और ये फिल्म बेस्ट फिल्मों में एक मानी जाती है। भले ही श्रीदेवी 24 फरवरी 2018 को इस दुनिया से रुखसत कर गईं, लेकिन अपने काम के चलते आज भी उन्हें मिलने वाले सम्मान और अवार्ड्स का सिलसिला जारी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।